भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? भारत को पहली से 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे विकसित देश था। हर दृष्टि से देखा जाए सुंदरता, समृद्धता, वैध व्यापार, महलों और राजाओं का देश, नदियों और महासागरों से भरा, जंगली जानवर, पशु और हाथियों से समृद्ध, कई धर्म, भाषाएं, हर क्षेत्र में आगे था। हर घर में लघु उद्योग चलाए जाते थे। यहाँ सामान के बदले सोना लिया जाता था। हर कोई देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। एक समय आया जब यह वस्तु विनिमय को बदल कर मुद्रा का उपयोग करना शुरू किया, तब सोने की बनी मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे चांदी के सिक्कों का प्रचलन आया। कई लुटेरे भारत आए जिन्होंने यहाँ से टनों से सोना चांदी लेकर गए। भारत के पास इतना सोना था आज तक भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत के वैभव को देख मुगलों ने इस पर कई हमले किए। अंग्रेजों ने भी कई कूटनीति और चालों का सहारा लेकर अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया, इसे अपना गुलाम बनाया, कई अत्याचार किए और यहाँ से सोना और चांदी लूटकर ले गए। इसकी संपन्नता को देख ब्रिटिश लोग भारत को सोने की चिड़िया बुलाते थे। सोने की चिड़िया कहाँ जाने का कारण? व्यापार, मसाला, लोहा, कपास। भारत एक ऐसा देश है जहाँ व्यापार का एक बहुत पुराना इतिहास है। भारत में बहुत पहले ही व्यापार के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। एक समय था जब भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। दुनिया के संपूर्ण उत्पादन का 43% हिस्सा भारत में उत्पादित होता था। दुनिया की कुल आय का 27% हिस्सा भारत का होता था। पहले भारत में घर घर में कपास से सूत बनाया जाता था, लोहे के औजार बनाए जाते थे और हर घर में लघु उद्योग थे। भारत से मसाले, चीनी, औजार, कपास आदि को निर्यात किया जाता था। हर घर में व्यापार किया जाता था। इन सब के अलावा भी कई कारण हैं, जैसे मोर सिंहासन। भारत में एक मोर सिंहासन था जिसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह सिंहासन सोने से बना हुआ था और इस पर बेशकीमती हीरे जड़े थे। यह इतना कीमती था कि इसकी कीमत आंकना भी मुश्किल था। इस कीमती सिंहासन को सिकंदराबाज नाम का लुटेरा लूट के ले गया। सिकंदराबाज अफगानिस्तान से भारत आया था और यह इस मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के कई मंदिर के पीछे कई रहस्यों की कहानी है। ऐसे ही एक मंदिर है पद्मनाभ मंदिर। ये केरल राज्य के त्रिभुवनपुरम में स्थापित है, जो कि 5000 साल पुराना है। ये विश्व के सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक है। इसमें एक दरवाजे का रहस्य है जिसे कोई नहीं खोल पाया है। आज भी इस दरवाजे पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं जिन्हें ए बी सी डी ई एफ नाम दिया है। सभी तहखाने के दरवाजे खोल लिए गए हैं जिसमें बेशकीमती सोना, सोना हीरा, रत्न, मूर्तियां और कई कीमती रत्न हैं जिनकी कीमत आंकना भी मुश्किल है। इसमें बी दरवाजे को आज तक खोला नहीं गया है। इस दरवाजे के पीछे कई कहानियां हैं ऐसा बोला जा रहा है। इसे केवल सिद्ध मंत्रों से ही खोला जा सकता है। यदि आधुनिक तकनीकों से इसे खोला जाएगा तो प्रलय आने की आशंका है। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। भारत में खनिज और उनका उपयोग। भारत में खनिजों का भंडार है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमाइट, बॉक्साइट, कैनाइट, चूना पत्थर, नमक, हीरा, परमाणु खनिज, जिप्सम, अभ्रक आदि। इनका भारत में न केवल उत्पादन किया जाता है बल्कि इसे देश विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। उड़ीसा से सबसे अधिक बॉक्साइट और मैग्नीज का उत्पादन होता है। देश के कुल सोने का 98% कर्नाटक में पाया जाता है। कोयले के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। आज बहुत जरूरी है इन खनिजों का सही ढंग से उत्पादन और निर्यात, तभी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है, जो कि अभी इंग्लैंड के पास है। यह 106 कैरेट का है। ये बेशकीमती हीरा गोलकुंडा नामक खान से मिला था। ये खान आंध्र प्रदेश में है। इस हीरे को पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध लड़े और आज भी इसे कई देश पाने के प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी इसे वापस मांगने की याचिका की है, पर इस याचिका को भी इंग्लैंड ने खारिज कर दिया। भारत की भूमि में ये हीरा पाया गया। ये भारत के वैभव को दर्शाता